Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe and share the video. It's a fight against Godi Media. So karna. You know guys, a budget came in, right? And here the media should raise questions. लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं. बजट पे सवाल पूछना, ये काम होता है मीडिया का कि ऐसा क्यों किया गया, वैसा क्यों किया गया, ये वाली पॉलिसी क्यों हुई, ये बजट कम. ये भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि देश की सरकार देश की प्रमुख स्कीम्स में जितना खर्चा करने का सोचती है उतना खर्च भी नहीं कर पाती. एक सवाल नहीं मिलेगा, बल्कि सारे पत्रकार मिलकर उस बजट को प्रेस करने लगे. भारत में मिडिल क्लास के लिए राहत का पिटारा खुला. कोई टैक्स नहीं होगा. मोदी सरकार ने सैलरीड क्लास की टैक्स रिबेट की मुराद पूरी कर दी. इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ जर्नलिस्ट कि पूछे तो सही. दलाल सरकार भी कहती है कि सवाल पूछो. मोदी जी ने खुद कहा इस्तेमाल खा के राजनेता आया तो भी खड़ा रहे, मीडिया चाहिए सवाल तो पूछते. सब मिलके बजट को प्रेस करने लग गए और कुछ तो आसमान में चढ़ के प्रेस कर रहे थे. इस प्रकार की बचकाना बातें गया. You know guys, there are so many questions the opposition parties are asking, but you can't find it anywhere. Mr. Arvind Kejriwal, Mr. Gaurav Vallabh. Education पर शिक्षा 104,278,000 crore खर्च करने का बजटरी एस्टिमेट था, खर्च किया मात्र 99,881. There are things. मतलब आप ये सोचो कि आकाशवाणी ने तक लिख दिया कि चुनावी बजट है. हालांकि उनसे गलती हुई थी, पर हाँ उन्होंने हटा दिया. पर बहुत सारी बातें पूछनी चाहिए थी और उसमें कोई गलत बात नहीं है. वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. दे शुड आस्क क्वेश्चंस अबाउट बजट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू कॉमन पीपल. कैन डू जनरेशन. Anyway guys, let's talk about the Godi number 5. When media is not asking question and all the time praising the government, aise aise product taiyar hote hain. Sarkar jaisa kahegi waisa maan lenge, apne vivek ka istemal nahi karenge. To padha likha hone ka matlab ye bilkul bhi nahi ki hum apna dimag ka istemal karna chahiye. Hame sarkar hamesha apne desh ke liye hame ye sochna chahiye ki desh ki sarkar kya kehti hai. Kya bole main samjha nahi. Padha likha hone ka matlab ye bilkul bhi nahi ki hum apna dimag ka istemal karna chahiye. And paper leak, it's a big thing. They should raise questions. 1200 पद खाली थे और उसमें 10 लाख से ज्यादा पद 10 लाख से ज्यादा युवा आवेदन दिया था. If they want, they will get product like this. Figure बता रहे कि 1200 थे और 10 लाख से ज्यादा ने फॉर्म भरा था, तो 1200 तो वो थे ना कि जिनको जॉब मिली है. इन्होंने बोला ना जॉब मिली, वो पेपर आज तक नहीं हुआ, उसका पर्चा 3 बार लीक हुआ. ऐसा नहीं है कि इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है. हमारे देश में टीवी न्यूज को ही सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है और टीवी न्यूज पे ये चलता है, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं. पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए. That's why I'm telling you, Godi Media is dangerous for the society and the country as well. And now the biggest thing, Mr. Adani, you can't find his discussion on anywhere. देश की जनता का बहुत सारा पैसा लगा हुआ. We want him to rise because it's all about our country. मैं तो कहता हूँ अगर ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, नंबर वन पे भी पहुंचते हैं और उसमें देश का फायदा है तो हो जाए. पर मीडिया की जिम्मेदारी क्या थी? Because people's money is involved, they should raise questions for the common people. आप यकीन नहीं मानोगे क्या हुआ. अच्छा, ये आया और इसने इसमें भी नेहरू की गलती ढूंढ ली. लेकिन एक नेहरू जी का भी जमाना था. LIC ने निवेश का इन्वेस्टमेंट का ऐसा घोटाला हुआ कि तब के वित्त मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था. सच्ची ये हुआ है, ये देखो. संसद में फिरोज गांधी ने घोटाले का खुलासा किया था, बाद में जांच आयोग बिठाई गई जिसने हरिदास मुंदड़ा को दोषी माना. तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी पर भी केस चलाने की बात कही गई, जिसके बाद नेहरू को अपने वित्त मंत्री से इस्तीफा मांगना पड़ा. तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? You can't even think about it in your wildest dream. चुसांत ये पूछने के बजाय कि देश की जनता के पैसे का क्या होगा, जनता का क्या होगा, ये नहीं. लेकिन एक नेहरू जी का भी जमाना था. दलाल. Trust me, people will consume this and then they will talk like this. देश आजादी 2014 में हुआ है, ठीक है. That's how they will defend the government. और उसके बाद थोड़ा समय मिलता है तो पिक्चरों में आ जाते हैं, पठान के बारे में डिस्कशन करना चालू कर देते हैं. ये तिहाड़ी साहब आ गए. शाहरुख खान की नई फिल्म पठान के साथ भी ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की गई. पिक्चर ही तो है, उसमें उसको इतना डिस्कशन करने की क्या जरूरत है. ट्रस्ट मी, इस मूवी का बॉयकॉट इसके लिए बेनिफिट साबित हुआ है. जो भी हुआ, ये रिपोर्ट हुई और इसमें इसने एक बात कही और इस फिल्म को BJP के विरोध का एक प्रतीक बना दिया गया. ये झूठ है, झूठ है, झूठ है. ट्रस्ट मी, ही इज लाइंग हियर.
It was not like that. ना बीजेपी ने ना सरकार ने कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए या इस फिल्म को थिएटर तक नहीं पहुंचना चाहिए। Wait a minute. बदलाव नहीं किया गया तो वो एमपी में रिलीज नहीं होने देंगे। ये फिल्म के बॉयकॉट की बात साध्वी प्रज्ञा के द्वारा कही जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा देयर वर सम मिनिस्टर्स और वो इस मूवी को खुल के बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। फिर तू ऐसे कैसे झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है यार। ना बीजेपी ने ना सरकार ने कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए और वो ऐसी झूठी इन्फॉर्मेशन देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑन हिज फेस क्योंकि हम जानते हैं इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। बट ही इज अ बिलव्ड तिहाड़ी ही कांट डाइजेस्ट लाइक दिस। Somewhere at the corner he was doing Hindu Muslim. सलमान खान ने टाइगर सीरीज में अपने जो नाम रखे थे किरदार का नाम था वो सारे हिंदू नाम थे। शाहरुख खान ने भी इससे पहले जो ज्यादातर अपने किरदार निभाए उन सब में उनका हिंदू नाम था लेकिन इस बार उन्होंने एक मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जाने की कोशिश की। Trust me, there was no need. Our Prime Minister said stop doing this. And now guys, this is Godi number 2 and check out the low of Godi Media for TRP. गिर गया। सब ने इसके लिए एक ही सवाल पूछा WHY Why? क्या जरूरत है। बजट पर हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत। और ऊंचे कर लिया। अब इसमें ज्यादा ऊंचे नहीं होगा। You won't believe there were hashtags running। आसमान में लटका आज तक लटकता आज तक क्यों करना है। लोग ट्रोल कर रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं आपका। और एक अलग तरह की ऊंचाई आज और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में सीधे सीधे बैठ के बजट पे डिस्कशन कर लो और जनता के सवाल पूछ लो। लोग ज्यादा इज्जत देंगे। ये कौन आइडिया दे जो बंदा ये आइडिया देता है ना आज तक वालों को वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। कौन है ये कहाँ छिपा हुआ है। क्या हो रहा है अंजना जी आप मुझे देखिए। हाँ, हाँ, हाँ। क्या हो रहा है ये और उनको अच्छा भी नहीं लग रहा है। लुक एट हर फेस देयर वाज सम फियर ऑन हर फेस। मुझे अपने घर जाना है। और जो लोग बैठे हैं उनको भी डर लग रहा है और वो भी सोच रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं ये। अरे दादा रे नहीं। इट्स अ न्यूज चैनल फॉर गॉड्स सेक नॉट अ सर्कस। जो लोग बोलते हैं कि मीडिया सर्कस बन चुकी है यहाँ पे तो प्रूफ हो रहा है। गिर गया। एंड नाउ गाइस गोदी नंबर 1 द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बजट। पत्रकार शुरू हो गए। 7 लाख की लिमिट है। 7 लाख की लिमिट है। 7 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी। 7 लाख तक की कुल आमदनी पर। 7 लाख की इनकम टैक्स। 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस द अपोजिशन पार्टी इज आस्किंग। हेल्थ पर 86,606 करोड़ की जगह 76,351 करोड़। मीडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू शोकेस देम। उन्होंने नहीं विपक्ष तो यही करा। बेरोजगारों की संख्या कितनी है? कई करोड़ में। और आपके पास क्या मॉडल है रोजगार के लिए? तो आपने गोल गोल बातें की है, कोई भी ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। तो फिर ये आम बजट कैसे हुआ साहब? ये तो खास लोगों का, खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया गया बजट। और भी बहुत सारी बातें पर एक सवाल आपको नहीं मिलेगा और ये एक बहुत समझदारी भरा सवाल पूछा गया है। लेकिन जहां तक इनकम टैक्स की जो स्पिन खेली है ना मैडम ने ये तो चतुराई ज्यादा है, इसमें लाभ कम है। ये सच में डिस्कस होना चाहिए था पर किसी न्यूज चैनल पर नहीं मिला। बस एक न्यूज चैनल पर आया था वो भी थोड़ी सी देर के लिए। नए रिजीम में आपको 60,000 रुपए टैक्स देना ही देना पड़ेगा। 60,000। हाँ ये रहा देखिए ऊपर दिखा भी रहे हैं हम। हाँ ठीक है। हाँ, पर 15,000 का फायदा है। नहीं जी सुनिए ना। हाँ, अगर आप पुराने रिजीम में हैं और आपने हाउसिंग लोन भी ले रखा है। हाँ, आपने LIC के बेनिफिट भी ले रखे हैं। हाँ, यानी 2.5 लाख की छूट तो आपको मिलती है और 2 लाख की 4.5 लाख तक की छूट मिलती है आपको। ठीक है। तो आपको टैक्स नए पुराने रिजीम में केवल 22,500 ही बनेगा यानी नुकसान हो जाएगा आपको नए रिजीम में जाने का। So yeah guys, this is all going on. Again I'm praying and hoping nothing will go wrong in this guy's case. क्योंकि अगर मीडिया समझदार और सजग होता तो तभी सवाल पूछ लेता जब ये सब कुछ चल रहा था। अभी भी बजट आया कोई सवाल नहीं पूछा गया। It's only in country's interest. Democracy में मीडिया जितना सजग और जागरूक होगा देश उतनी उन्नति और विकास करेगा। इसलिए हम लोग ये लेके आते हैं। So yeah guys, plate.